माँ तो आखिर माँ ही होती है। भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी ने पारो के सभी इल्जाम ले लिए हैं अपने सर, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इससे ऋषि और लक्ष्मी के बीच में आने वाली हैं दूरियां, क्या गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी। बाबा ई का चल रहा है, कभी लक्ष्मी को पुलिस हिरासत में ले रही है तो कभी शालू को, और जो पूरा किया कराया है वो तो पारो का है, क्योंकि पारो ने ही तो ऋषि की माँ पर शीशा गिराया था, मगर उसे तो कोई टच भी नहीं कर रहा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन सीरियल के कहानी में जो भी कंफ्यूजन हो SBS के पास उसका समाधान जरूर होता है। बात दरअसल ये है कि लक्ष्मी दरिया दिली दिखाते हुए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, जिसके बाद ही तो शालू और पारो को पुलिस छोड़ देती है, और यहाँ से लक्ष्मी की शुरू होती है नई चुनौती, क्योंकि अब लक्ष्मी बिल्कुल तन्हा पड़ गई है। उसे लगता है कि उसका साथ कोई दे ना दे, लेकिन ऋषि जरूर देगा। लेकिन अब लक्ष्मी ऋषि का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि लक्ष्मी को लगता है कि पुलिस अगर केरला तक पहुंची थी तो उसमें ऋषि का ही हाथ था। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप झूठ क्यों फैला रही हैं? ऐसे झूठ बोलना भी तो कानून के खिलाफ ही है ना, तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हां होगी, होने देंगे आप अपने ऊपर कार्रवाई? होने देंगे? क्या झूठ बोला आपने? ये झूठ बोला है कि मैंने अपने फोन पर ट्रैकर लगाया है ताकि आप लोग लक्ष्मी को पकड़ सके। जब लक्ष्मी दी बोलती है पारो ने कुछ नहीं किया है, मैंने किया है, तो उनको लेके जाती है, तो लक्ष्मी दी बोलती है पारो मासी की हर बात मानना, और मासी भी तो माँ जैसी होती है ना, ठीक है, ऐसे बोलती है। लक्ष्मी ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि मैं पारो ने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी गलती है, मैंने ये सब किया, ताकि पारो, क्योंकि अब ना अब लक्ष्मी ऋषि पे ट्रस्ट नहीं करती, तो वो नहीं चाहती कि पारो ऋषि के आसपास भी रहे, तो बस यही हो रहा है कि गाड़ी खोल के अंदर दी आ रही है और मुझे बोल रही है कि ये सब मैंने तेरे लिए किया और पारो के लिए किया है, ताकि तू पारो के साथ रह सके और तू पारो की अच्छे से हिफाजत करना, उसके ऋषि इसको ऋषि के आसपास मत आने देना। अब लक्ष्मी ने पारो को शालू के हवाले कर दिया है, क्योंकि लक्ष्मी को अपनी लड़ाई अब खुद अकेले लड़नी है, लेकिन ऋषि चुप तो नहीं बैठेगा, वो हर हाल में लक्ष्मी की मदद जरूर करेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।